आज 10 फरवरी 2020 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1947। फागुन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। प्रतिपदा तिथि है सुबह 9:45 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि है। मघा नक्षत्र है शाम 5:06 तक और उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में। आज गंडमूल समाप्त हो रहे हैं शाम 5:06 पर। आज 10 फरवरी 2020 को वागदान का या सगाई का मुहूर्त है सुबह 7:04 से दोपहर 11:31 तक और उसके बाद दोपहर 1:55 से रात 10:50 तक। और विद्या आरंभ करने का मुहूर्त है शाम 5:06 से शाम 6:17। मेष राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार, क्योंकि आपको इस बात का आभास है कि आपके बड़े बुजुर्गों के विचार बहुत सख्त हो सकते हैं और इसलिए मन में ऐसी विडंबना है कि किसी भी नए रास्ते पर कैसे आगे बढ़ा जाए। वृषभ राशि वालों को पारिवारिक खुशियों को बनाए रखने के लिए कई तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि दूर स्थान के विकल्प भी हैं आपके सामने, जिस वजह से रिश्तों से जुड़ी कठिनाइयां उभर कर आ सकती हैं। मन हार जाने से कुछ नहीं होगा, हर बात को ध्यानपूर्वक समझने से ही बात बनेगी। मिथुन राशि वालों की कोशिशें कमजोर पड़ती चली जा रही हैं और लोग आपको शक की नज़र से देख रहे हैं। यही वजह है कि आप थोड़ा सा घबराए हुए हैं और आपको अपनी मुश्किलें बहुत बड़ी लग रही हैं। क्या करना चाहिए समय? अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए आपको अपने हालात का सही जायजा लेना होगा। कर्क राशि वालों को किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना होगा, क्योंकि किसी भी तकरार को बढ़ाते चले जाने से भी बात बिगड़ सकती है। इस बारे में भी गौर करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? विचार विमर्श करना अच्छी बात, ताकि लोगों को आप अपनी बात कह सकें और समझा भी सकें। सिंह राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते की ओर झुकाव अच्छा है, पर इस बात को लेकर मन परेशान है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अविश्वास के बादल उठने में देर नहीं लगती, इसलिए खुद पर भरोसा बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? लोगों से तालमेल बनाए रखने के लिए अपने मन को साफ करना होगा, क्योंकि लोगों की आलोचना करने से आप लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएंगे। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि मन में बनाई हुई दूरियों का बुरा असर रिश्तों पर पड़ सकता है और ये वजह है कि अच्छी भली स्थिति को बनाए रखने के लिए भी जूझने की जरूरत है। परेशानी यह है कि आप हर छोटी बात को समस्या के रूप में ही देख रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? उस अच्छाई की ओर देखें जो रिश्तों के प्रति बनी हुई है। कोई प्यार का रिश्ता इसी वजह से पनप रहा है और बढ़ रहा है। तुला राशि वालों के सामने पैसे से जुड़ी बहुत सारी चिंताएं, जबकि उन चिंताओं का कोई वजूद नहीं है। आपके अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए ये समय हर तरह से आपकी मदद कर रहा है। फिर भी देनदारी का बोझ हो सकता है आपके ऊपर, जिसे चुकता तो करना ही पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ बना हुआ है, पर उसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव, इसलिए आपको लगता है कि आपके काम में और काम से जुड़े लाभ में रेगुलरिटी की कमी है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखने की जरूरत है, पर अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। धनु राशि वालों का भरोसा जगा हुआ है, पर आपके सपने बड़े हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए हालात आपकी हर तरह से मदद भी करना चाह रहे हैं। तकदीर ने आपका साथ भरपूर निभाया है और यह भी बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समूह? अपने बड़े बुजुर्गों से विचार विमर्श करें और सही नतीजे पर पहुंचें। पैसे से जुड़े फैसले भी इस रूप से करने होंगे जो आपको अपना भविष्य बनाने में मदद कर सके। अपनों पर भरोसा करने की जरूरत है। मकर राशि वालों का मन परेशान है, इसलिए आप कई ऐसी बातों के बारे में सोचते चले जा रहे हैं जिन्हें आसानी से संभाला जा सकता है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें कबूल करनी ही पड़ती हैं, पर हर दिन आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चल सकता। पीठ पीछे क्या हो रहा है, इस बात को भी भली भांति समझ लेने की जरूरत है। कुंभ राशि वालों की लोगों से दूरियां बढ़ेंगी तो अच्छी भली स्थिति भी आपको परेशान करना शुरू कर देगी, इसलिए किसी भी तरह की गलती से बचना होगा। खुशियों भरे समय को बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल की ओर ध्यान तो देना ही पड़ता है, तभी जाके काम और काम से जुड़े लाभ का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। मीन राशि वालों का रिश्तों के प्रति तनाव उत्पन्न होता चला जा रहा है, शायद इसी कारणवश कामकाज की अच्छी भली स्थिति में भी आपको कमियां ही नजर आ रही। कोशिश ये करनी होगी कि अपने व्यवहार को धीमा कर लिया जाए और लोगों की बात को समझने के प्रयास भी कर लिया जाए।